हेलो फ्रेंड्स, पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। होप आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए माइक्रो ऑर्गिज पार्ट को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। ये पार्ट थ्री है, वीडियो का पार्ट थ्री है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं टेलीग्राम से, उसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप अगर बीपीएससी, जेपीएससी, ये सब स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी सेक्शन में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये महासंग्राम है बायोलॉजी का, सीरीज चल रहा है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, पॉलिटी का देख सकते हैं। ऑलरेडी पब्लिश बहुत सारे, मोर देन 1500 क्वेश्चन हम लोग पब्लिश कर चुके हैं। आपको बस रिवीजन करना है, टॉपिक पढ़िए ऑथेंटिक बुक से और यहाँ से रिवीजन करिए। ओके, सो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है 83 आयोडीन इज ऑप्टेंड फ्रॉम। ये जो आयोडीन होता है वो किसमें से ऑप्टेंड होता है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? लेमिनेरिया। ओके, लेमिनेरिया जो होता है उससे आयोडीन ऑप्टेंड होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, केल्प्स आर फर्स्ट फ्रेश वाटर एल्गी, मेरीन एल्गी, टेलिस्ट्रियल और एम्फीबियस। तो वो क्या होता है? वो मराइन एल्गी होता है, ठीक है, समुद्री एल्गी। तो 86, सी नोन एज सेरोगोशो इज ड्यू टू, समुद्र का जो पार्ट सेरोगोशो को के नाम से जाना जाता है वो क्यों क्यों होता है? इस तरह वो एल्गी के कारण होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट एल्गी। तो नानो क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विच ऑफ दिस एल्गी इज वेरी रिच इन प्रोटीन। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रोटीन में स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सा एल्गी? फर्स्ट ओसिलेटोरिया, बी क्लोरेला, स्पेरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। तो आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरेला, ठीक है। ये एल्गी में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 87 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक, इसमें कौन सा ऑटोट्रॉफिक होता है? वो एल्गी होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 88 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी। पैडी में इनमें से कौन सा? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, इट्स ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एल्गी। तो ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को बायो फर्टिलाइजर में यूज होता है क्रॉप पैडी में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में एक यूनिसेलर एल्गी होता है, सिंगल सेल का एल्गी होता है, वो कौन सा जो हेल्पफुल होता है? वो क्लोरेला, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, रेड कलर ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू एल्गी के कारण। उसका कलर रेड होता है, तो रेड एल्गी होता है उस पे फॉर्मेशन में, तो इसीलिए रेड सी का कलर रेड होता है। तो 91 में देखिए, फ्री फ्लोटिंग सी वीड विच कवर्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स इन अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो वो कौन सा? सेरोगोशम। सेरोगोशम वो समुद्र का सेरोगोशम पार्ट है जहाँ की एल्गी से वो पूरा कवर्ड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 92, एगर एगर इज ऑप्टेंड फ्रॉम। एगर एगर जो होता है ना वो ऑप्टेंड होता है एलगी से ही ऑप्टेंड होता है, तो ऑप्शन बी जो है उसका सही आंसर है। 93 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट है एगारिकस, एस्पेरिगस, यूरोथ्रक्स, उल्वाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज आर एलगी, में से एलगी कौन सा है? ये देखिए, यूरोथ्रक्स एलगी है और उल्वा एलगी है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है ना वो सही आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94, द ब्रांच ऑफ बोटेनी इन विच स्टडीज अबाउट फंगी। फंगी का वो तो इसको माइकोलॉजी, उस ब्रांच को क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ दैट इज चिटिन एंड हेमीसेलुलोज से बना हुआ होता है। चिटिन और हेमीसेलुलोज से जो सेल वॉल ऑफ फंगी का जो होता है ना सेल वॉल, वो बना हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96, द फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ऑप्शन बी। जो फूड मटेरियल जो होता है ना फंगी में, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर्ड होता है बॉडी में उनके। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, ऑल फंगी आर ऑलवेज फर्स्ट पैरासाइटिक, ऑटोट्रॉपिक्स, हेटरोट्रॉपिक्स एंड स्पोरोफाइट्स। तो ऑल फंगी आर, ये कॉमन फीचर्स होता है, वो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोरिजा इज इन बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट, ठीक है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोरिजा, ठीक है, माइक्रोबियल फिक्सिंग जो एल्गी होता है, तो वो फंगस के कारण होता है और रूट ऑफ द हायर प्लांट्स में ये उनका है, जो कॉलोनी बनता है उसमें होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 99, फंगी ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ के छिलके पे जो फंगस जो जन उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोर्टिकोल्स बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 100, फंगी विच ग्रो ऑन द काउ डंग आर कॉल्ड, कौन सा बोलते हैं? कॉर्पोफिलस, कॉर्पोफिलस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 100 का ऑप्शन सी। 101 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मींस क्लोरोफिल इज द फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 102, द डिजीज लेटर ब्लैक लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो इज काउज ड्यू टू वो फाइटोथोरा इन्फेक्टेंस, ये होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ओके, नाउ 103, फंगी यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, जो फंगी यूज होता है वो क्या होता है? सैक्रोमाइस सेरेबिसल,
सेरिविजल, ओके ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेनिसिलियम ईजे क्या है, वो एक तरह का फंगी होता है पेनिसिलियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 105 ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काउज्ड ड्यू टू अल्टरनेरिया सोलैनी, ओके अल्टरनेरिया सोलैनी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट 106 द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ऑप्शन सी इसका सही है। 107 इग्रोटिज्म इज काउज्ड ड्यू टू कैल्विसेप्स, ओके कैल्विसेप्स के कारण एग्रोटिज्म होता है, ठीक है 107 बी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 ऑन इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइकोजेनम, ठीक है क्राइकोजेनम ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, इसको याद कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 109 इन बेकरी व्हेन यीस्ट इज एडेड इन हिंड फ्लोर इट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द ब्रेड स्पॉन्जी, ठीक है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो स्पॉन्जी बनता है फ्लॉपी, ठीक है। 110 वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव इन यीस्ट इज बाय कौन बडिंग प्रोसेस, ऑफ बडिंग को होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 111 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिबल फंगी, इनमें कौन सा एग्रीकेकस होता है एडिबल फंगी होता है, हाईली प्रोटीन होता है उसमें। नाउ नेक्स्ट 112 LSD is obtained from fungi, एक fungi से LSD obtained होता है। Now 113 antibiotic which were discovered first antibiotic क्या था, वो penicillin था, option C correct answer है। Yes, another question 114 yeast is an important source of vitamin B होता है, देखिए yeast होता है vitamin B का बहुत बड़ा source होता है, ठीक है। अगला question देख, question number 113 streptomycin is first obtained by किसे, वाल्कू Waxman, ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 116 टीका डिजीज ऑकर ड्यू टू ग्राउंड नट, ठीक है ऑकर इन ग्राउंड नट, ऑकर कहाँ होता है किसमें, टीका डिजीज किस प्लांट में होता है ग्राउंड नट में होता है, ओके नेम। क्वेश्चन नंबर 170 रेड रॉट ऑफ सुगर कैन ऑकर ड्यू टू फंगी के कारण होता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे ऑब्टेंड होता है, वो बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 119 देखिए यीस्ट इज यूज्ड इन बेकरी इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड बिकॉज इट मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और ये क्यों होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है उसी कारण, ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 120 द डिजीज एथलीट फुट इज काउज ड्यू टू फंगी के कारण होता है, एथलीट फुट का जो डिजीज है वो किसे होता है फंगी के कारण होता है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए 121 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगी मेक्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रूट ऑफ हायर प्लांट, को माइकोरिजा, ओके माइकोरिजा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 121। एफ्लेक्टोसिन इज ए क्या होता है, पॉइजनस प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, एफ्लेक्टोसिन एक पॉइजन होता है प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, ओके तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 123 फंगी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड कौन सा, सैक्रोमाइसिस, ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सैक्रोमाइसिस होता है यही ब्रेड में यूज होता है यही फंगस का, ओके। 124 लीचेंस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फंगी एंड एल्गी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, लीचेन हमेशा किसका कॉम्बिनेशन है फंगी और एल्गी का। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए लीचेन आर इंट्रोडक्टर ऑफ किसका, वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, लीचेंस आर इंडिकेटर ऑफ किस चीज को इंडिकेट करता है, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो लीचेंस की वहां पे संख्या और कॉलोनीज कम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी ऑब्टेंड फ्रॉम, ये लीचेंस से बनता है, ठीक है ऑप्टेन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 इन लीचेंस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी इज कॉल्ड क्या, वो बोलते हैं हेलोटिज्म, वो रिलेशनशिप को उनका क्या बोलते हैं हेलोटिज्म। नाउ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 लीचेन व्हिच ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री इज कॉल्ड कॉर्टिकल्स, ओके ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और लीचेंस व्हिच ग्रो ऑन द स्टोन इज कॉल्ड सैक्सोकॉल्स, सैक्सोकॉल्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और इन जापान विच ऑफ द लीचेन इज यूज्ड एज वेजिटेबल्स, कौन सा वेजिटेबल जापान में सब्जियों की तरह यूज होता है, यूम्बलिकेरिया, ठीक है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूम्बलिकेरिया। सो होप आपको अच्छा लगा ये पार्ट थ्री, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, नेक्स्ट पार्ट कुछ दिनों में अपलोड होगा। सो अगर इसका PDF आपको चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे स्टे फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।